आपने एक इंडिविजुअल की बैलेंस शीट करी है, सोल प्रोपराइटर की बैलेंस शीट। सोल प्रोपराइटर की बैलेंस शीट कैसी दिखती है बेटा? सोल प्रोपराइटर की बैलेंस शीट इस तरह से दिखती है कि यहाँ पर एसेट और यहाँ कैपिटल और लायबिलिटी। यही पार्टनरशिप की भी बैलेंस शीट अगर किसी ने बनाई है तो पार्टनरशिप की बैलेंस शीट भी ऐसी ही दिखती है बेटा, इस साइड एसेट्स और इस साइड कैपिटल एंड लायबिलिटी। एम आई राइट? तो ये दिस इज इन केस ऑफ सोल प्रोपराइटर एंड द पार्टनरशिप। बट व्हेन यू टॉक अबाउट अ कंपनी, कंपनी की बैलेंस शीट एज पर स्केड्यूल 3 बनती है हमारे पास कंपनीज एक्ट के हिसाब से। हमारे कंपनी एक्ट के हिसाब से कंपनी की बैलेंस शीट बनती है जिसमें ऊपर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी स्टैंड्स फॉर कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, और नीचे एसेट्स आते हैं। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में चार हेड आते हैं जिसमें से ये दो हेड कैपिटल के नाम के हैं। किसके नाम के हैं बेटा? कैपिटल के नाम के हैं। ये दो हेड्स किसके हैं बच्चे? कैपिटल के नाम के हैं। और ये दो हेड्स किसके नाम के हैं? लाइबिलिटीज के नाम के। ठीक है बेटा, यहां पर कैपिटल शेयर होल्डर फंड के नाम से आएगी क्योंकि शेयर होल्डर्स ही अब हमारे ओनर्स होंगे कंपनी के केस में, राइट? और ये दोनों लाइबिलिटीज में जो है, एक हेड है नॉन करंट लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी विच इज ड्यू फॉर मोर देन 12 मंथ्स, एंड द लाइबिलिटी विच इज ड्यू फॉर लेस देन 12 मंथ्स इज करंट लाइबिलिटी। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। देन देयर आर टू एसेट्स, दो हेडिंग हमारे एसेट्स के, छह एसेट्स हैं बेटा। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। दो हेड कैपिटल के, दो लाइबिलिटी के, दो एसेट्स के, तो दो एसेट्स के हैं। नॉन करंट एसेट्स जिनको आप कैश में कर जल्दी जल्दी कन्वर्ट नहीं कर सकते, और करंट एसेट्स जिनको आप जल्दी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, दे आर नोन एज करंट एसेट्स। इज दैट ओके? आप बात समझ रहे हैं? अब बेटा इस चैप्टर में, जो चैप्टर आपके साथ शुरू करा है मैंने लास्ट टाइम में, मैं दोबारा एक बार समझा दूं, उस चैप्टर में आपने करना क्या है, आपको दो साल की बैलेंस शीट दी होगी, आपको केवल कंपेयर करके बताना होगा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल में क्या चेंजेस कंपनी में आए हैं। तो आपको उसमें करना क्या है? आई टेल यू हियर एक तो उसमें से परसेंटेज वाला होता है, आई गेस। हां, परसेंटेज वाला सिंपल प्रोसेस यू हैव टू फॉलो। आपको क्या करना है, इसमें दो कॉलम और ऐड करने, ठीक है? इसी बैलेंस शीट के आगे आपको दो कॉलम और ऐड करने, जिस कॉलम में आप हेडिंग देंगे, थोड़े से चेंजेस जो करने हैं मैं बता रहा हूं। इसका नाम होगा एब्सोल्यूट चेंजेस। एब्सोल्यूट चेंजेस कैसे होंगे? करंट ईयर माइनस प्रीवियस, ठीक है? और एक होगा परसेंटेज चेंज का कॉलम। परसेंटेज चेंज का कॉलम कैसे निकालेंगे? एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय प्रीवियस इनटू 100। और एक बात और, क्वेश्चन में तो करंट पहले और प्रीवियस बाद में दिया होगा, लेकिन आपने आंसर में इसको चेंज कर देना है, पहले प्रीवियस लिखना है बाद में करंट लिखना, ठीक? तो ये आपका फॉर्मेट रहेगा फॉर कंपैरेटिव स्टेटमेंट। This format is for comparative balance sheet. This format is for what? Comparative balance sheet. आप लोग एक बारी जरा अपनी थर्ड बुक निकालकर पेज नंबर 3.31 पे आ जाएंगे। पेज नंबर 3.31 पे आ जाएं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड देन आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। आई एम काउंटिंग टिल 3 फॉर द स्क्रीनशॉट। 1, 2, 3. So I am coming to the next page. Page number 3.31 पे आप सभी आ गए हैं। Everyone on page number 3.31. Question yes, number. Yes, sir. Question number 4 देख पा रहे हैं बेटा? Question number 4 कह रहा है कि हमें comparative balance sheet बना के दो। तो हमें ये कॉलम्स बनाने हैं। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन करके दे रहा हूं, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस बेटर कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट बननी कैसे। पेज नंबर 3.31, क्वेश्चन नंबर 4 आई एम डूइंग, इसका नाम है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, पर्टिकुलर्स प्रीवियस ईयर पहले लिखूंगा बेटा मैं, ये तो नोट नंबर है, इसको खाली छोड़कर प्रीवियस ईयर पहले लिखूंगा। प्रीवियस ईयर है 31/3/19,
और करंट ईयर है 31/3/20, इसका नाम होगा एब्सोल्यूट चेंज, इसका नाम होगा परसेंटेज चेंज। ठीक है, यहां पर मैंने पहली हेडिंग डाली इक्विटी एंड लायबिलिटीज। क्या हेडिंग डाली बेटा? इक्विटी एंड लायबिलिटीज एज इट इज, जो क्वेश्चन में दिया है बस वही लिखना है। फिर उसके अंदर क्या है? शेयर होल्डर्स फंड। जैन साहब आप सुन रहे हैं, शेयर होल्डर्स फंड। यस सर। देन देयर इज शेयर कैपिटल। बेटा अगर आप यही सिर्फ शेयर कैपिटल समझ जाएंगे आपको पूरा कंपैरेटिव समझ आ जाएगा। शेयर कैपिटल पिछले साल था 2,44,000 और इस साल है 3,26,000। श्रेया एम आई राइट? तो 326 माइनस 244, 82,000 इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस। हैड इट बीन इन माइनस तो आप इसको ब्रैकेट में लिख लेते 33.6%। मैंने क्या किया, मैंने ये कैसे निकाला बेटा? 82 डिवाइडेड बाय 244 इनटू 100, दैट इज व्हाट आई हैव डन। देन बी पार्ट आउट आफ्टर शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस है पिछले साल 1,00,000, इस साल भी 1,00,000। नो चेंज, नो परसेंटेज चेंज, ऐसे डैश डाल के छोड़ दें। सेकेंड आइटम नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में हमारी हेडिंग है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो बोरोइंग्स आप एक साल से ज्यादा के लिए करते हैं, दे आर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सो वी राइट 438,000 हियर एंड 696,000 हियर। Absolute difference is 696 minus 438. Okay. It comes out to be 2,58,000. Percentage कैसे निकालेंगे? 258 divided by 438 का percentage निकालेंगे. 258 divided by 438 का percentage 58.90। सिमिलरली नॉन करंट लाइबिलिटी के बाद मैं थर्ड लिखूंगा करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में आई हैव ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स इज 78,000 प्रीवियस ईयर एंड 2,98,000 करंट ईयर। सो 298 माइनस 78 इट इज 220,000 ईयर। Now percentage will be in more than 100. So 220 divided by 78 into percent. So it will be 282.05%. Let it be. Can't help it. Then total. हम बेटा यहाँ पर इसको total कर देंगे. The total is already given. 8,60,000 for the previous year. 14,20,000 for the current year. तो इसमें एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे। पहले हम 14,20,000 माइनस 8,60,000, 5,60,000 इज द एब्सोल्यूट चेंज। परसेंटेज चेंज विल बी 65.11। जैसा मैंने ऊपर किया वही सेम ट्रीटमेंट मैं टोटल के साथ भी करूंगा। नाउ व्हाट आई नीड फ्रॉम यू इज कि इस क्वेश्चन के एसेट साइड को भी पूरा कर दें आप। एसेट साइड को पूरा कर दे बेटा, मैंने लाइबिलिटीज करी है, सेम वे यू कंप्लीट द एसेट साइड एंड फिनिश ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे जो आपने वन लिखा इक्विटी एंड ट्राइंग टू एक्सप्लेन द कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट में बेटा हम हर चीज को एक कॉमन वैल्यू पे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। वी कन्वर्ट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ अ कॉमन वैल्यू। बेटा बैलेंस शीट में सबसे बड़ी फिगर क्या होगी? टोटल। बैलेंस शीट में सबसे बड़ी फिगर क्या होगी बच्चे? टोटल। तो हम परसेंटेज किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इन परसेंटेज ऑफ टोटल। यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। ठीक है, 2019 और
या ऐसे 31/3/19 लिख लीजिए, 31/3/20 लिख लीजिए सेम डे। अब आप क्या करेंगे, जैसे इसकी पहली आइटम क्या है 244, आप क्या करेंगे 244 डिवाइडेड बाय 860, दैट्स द टोटल, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 100। ठीक है, आप एक एक आइटम को टोटल की परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, तो 244 डिवाइडेड बाय 860% इट इज 28.37। सिमिलरली 1 लाख डिवाइडेड बाय 860, 1 लाख डिवाइडेड बाय 860 परसेंटेज इट इज 11.62। 438 डिवाइडेड बाय 860 परसेंटेज इट इज 50.93। सिमिलरली ट्रेड पेबल 78,000 डिवाइडेड बाय 860 परसेंटेज 9.06। और फिर टोटल डिवाइडेड बाय टोटल इनटू परसेंटेज बेटा क्या होगा, 860 अपॉन 860 इनटू 100 विल बी 100%। सिमिलरली इस वाले ईयर का 326 डिवाइडेड बाय 1420 इनटू 100, 326 डिवाइडेड बाय 1420 इनटू 100 22.95। इस तरह से सारे को हम डिवाइड किससे करने वाले हैं, 1420, 1420 तो 100 हो जाएगा। अब हम जैसे ये रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख है, सो 1 लाख डिवाइड बाय 1420 परसेंटेज 7.04%। देन 696 डिवाइडेड बाय 1420 परसेंटेज 49.01। देन 298 डिवाइडेड बाय 1420 परसेंटेज 20.98। तो यहां पर हमने क्या कर लिया, हर चीज को किसकी परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, इन दी परसेंटेज ऑफ टोटल, एम आई राइट। अब आप इन परसेंटेजेस का यहां से यहां तक टोटल करेंगे, सो दे विल बी रफली 100%, क्योंकि डेसिमल्स में कहीं एक आधा 0. समथिंग ऊपर नीचे हो सकता है, बट दे विल बी टोटल्ड एज 100। तो इसी क्वेश्चन का आप ये कॉपी करके एसिड साइड का कॉमन साइज बना के देंगे बेटा मुझे, फॉर द सेम क्वेश्चन टोटल रेवेन्यू। नाउ टोटल रेवेन्यू में हमने ये, दिस इज थर्ड आइटम टोटल रेवेन्यू, कैन यू ऑल सी दिस, हमने क्या किया, व्हाट हैव वी डन इज, हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज मेन सेल्स में अदर इनकम ऐड करा, वी गेट टोटल रेवेन्यू दैट इज 1+2। देन एक्सपेंसेस, अब सारे खर्चे हम अलग से कंसिडर करेंगे और खर्चों को माइनस करेंगे टोटल रेवेन्यू में। खर्चों में सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम, he is talking about raw material here, purchase of stock in trade, he is talking about raw material here, na stock in trade, I'm sorry, he is talking about finished goods, stock hamare finished goods ki baat kar rahe, then changes in inventory of finished goods, finished goods, theek hai, teen tarah ke stock hote hain beta, raw material, finished goods aur work in progress, to ye teenon ki baat karega yahan par ek ek karke, then we talk about वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक इन ट्रेड। बेटा मैंने आपसे अभी कहा था तीन तरह के स्टॉक होते हैं, तो वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक इन ट्रेड, आधा कच्चा पक्का माल, जैसे फॉर एग्जांपल आपका काम है टेप रिकॉर्डर्स बनाने, तो आप टेप रिकॉर्डर का अगर रॉ मटेरियल लाए हैं, प्लास्टिक लाए हैं, तो रॉ मटेरियल की कैटेगरी में आ गया। अभी टेप रिकॉर्डर बना रहे हैं, उसका हो सकता है कि कुछ हिस्सा बन गया हो, कुछ हिस्सा अभी बनना हो, कुछ पार्ट्स और अभी असेंबल करने बाकी हो, उसको वर्क इन प्रोग्रेस कहेंगे, और टेप रिकॉर्डर बनकर पूरे तैयार हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज फिनिश्ड गुड्स। तो तीनों के स्टॉक की बात यहां पर इसमें करेंगे। देन एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, व्हेन आई से एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, ही विल टॉक अबाउट वेजेस, ही विल टॉक अबाउट सैलरीज, ही विल टॉक अबाउट पेंशन, ही विल टॉक अबाउट अलाउंसेस, जो कुछ भी आप एम्प्लॉयज को दे रहे हो विल कम हियर। देन फाइनेंस कॉस्ट, मेजरली एक फाइनेंस कॉस्ट आती है जब आप अपने आप को कहीं से फाइनेंस कराते हैं, तो आप उस पर इंटरेस्ट देते हैं। Then depreciation and amortization. Depreciation तो आप जानते ही हैं बेटा, amortization is basically for intangible assets. जितने intangible assets होते हैं उन पे amortization. Then other expenses, any expense which has not been included above will come here. Total expense आ गया. बेटा total expense में आप total expense का करेंगे क्या?
ऊपर आपने क्या निकाल लिया था, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू में से आप टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्सेस। सॉरी, इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में अगर कोई इसके बाद अगर कोई एक्सेप्शनल आइटम्स है, मैं ये कहूंगा कि अभी फिलहाल आप इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें। आप ये समझिए कि आपके पास आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करिए, व्हाट यू विल गेट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अभी आप सिर्फ यहीं तक समझिए, इसके आगे का आपके मतलब का नहीं। मैं और यहाँ की एक्स्ट्राऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल आइटम्स को भी फिलहाल छोड़ रहा हूँ। दे विल कम बट आई विल एक्सप्लेन देम लेटर। तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आपका जो इनकम स्टेटमेंट बनता है, एक बार यहाँ पर रफली देखिए इनकम स्टेटमेंट मोटा मोटा। बेटा जैसे बैलेंस शीट बनती है वैसे ही इनकम स्टेटमेंट बनेगा। You will be having two columns, one for current year, one for previous year, and then it is note number. यहाँ पर आप पहले लिखेंगे revenue from operations, second लिखेंगे other income. ये आपको total करके आएगा total revenue. What will it be? Total revenue. इसमें से आप fourth item है expenses, जो मैंने अभी आपको दिखाए. Expenses अगर आप minus कर लेंगे तो एक्सपेंसेस माइनस करने पर आपके पास यहां पर मोटा मोटा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। ठीक है, कैसे आया? प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस थर्ड आइटम माइनस फोर्थ आइटम। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्सेस माइनस कर लेंगे, दैट इज सिक्स्थ आइटम। सिक्स्थ आइटम माइनस करने के बाद आपके पास सेवन्थ आइटम आ जाएगी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। दैट विल बी आइटम नंबर फिफ्थ माइनस आइटम नंबर सिक्स्थ। इज दिस ओके टिल हियर? बराड, इज इट आर यू वर्क इन प्रोग्रेस को मतलब हमने खर्चे में मतलब कैसे डाला, मुझे चीज समझ नहीं। वर्क इन प्रोग्रेस इज अ स्टॉक ना, स्टॉक तो आप दिखाते ही हो ना खर्चों में, ट्रेडिंग अकाउंट में। चलो ठीक है ठीक।